हम अपने उस्ताद को, अपने मेंटोर को, और एक ऐसा फिगर जो मैं समझता हूँ आइकॉन ऑफ इंग्लिश कॉमेंट्री इन दिस कंट्री, लेट उमर कुरैशी, इफ्तिखार अहमद, और तीसरा नाम जो है वो अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। पाकिस्तान टेलीविजन की एसोसिएशन जो है वो क्रिकेट के साथ बहुत पुरानी है। यू विल बी शॉक टू नो कि 1968-69 जो एमसीसी ने टूर किया था वो भी, उसके भी हाइलाइट्स दिखाए गए। 72 में जो है पीडीवी ट्रॉफी हुई। ब्रॉडकास्टिंग ऑब्वियसली अर्ली बहुत शुरू हो गया था रेडियो के साथ। और मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं जो कि अभी भी बहुत यंग हैं, वाइब्रेंट हैं, और मैं समझता हूँ डायनेमिक हैं, और एक बहुत एंटरप्राइजिंग पर्सनालिटी, एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको देख के आप सीखते हैं। एंड आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट। और ये 1967 फरवरी इन्होंने अपने कमेंट्री के करियर का आगाज़ किया था। दैट वाज साउथ जोन वर्सेस एमसीसी अंडर 25। शायद ये वो एमसीसी की टीम है जिसमें रॉजर पेरेडू और माइक ब्रिले वगैरह आए थे। वो इनसे हम पूछेंगे। आप इनको एक बड़े सीरियस रोल में सुनते हैं और जिस तरह वो बात करते हैं या मैच के एनालिसिस करते हैं, और मेरे ख्याल में इनका टिपिकल एक ब्रिटिश सटल ह्यूमर है। और आज अल्लाह ही बचाए आज हमारे साथ मौजूद हैं, और ऑब्वियसली चिश्ती मुजाहिद जो हैं आप समझ ही गए होंगे मैंने ऐसे ही कोई इतनी बड़ी। सर हाउ आर यू? I'm all right. Good. Thank you very much. Much better after seeing you, and even much more better after seeing Amir. So Amir Shoaib ji, हमारे skip हमारे साथ आज, और सर आज प्रोग्राम करने का कोई मूड है चिश्ती भाई या कोई गपशप लगा ले? नहीं, आप जो करते हैं वो करते रहे। मैं तो, मुझे तो आपने यहाँ बुला लिया, इसलिए मैं आपकी दोस्ती की वजह से और आपकी इंटरेस्ट की वजह, एंड अगेन वंस अगेन, एक तो ये है कि दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर प्रोग्राम, लोग मुझसे बातें करते हैं, पूछते हैं कि भाई। बात ये है कि क्योंकि ये इतनी रात गए होता है तो मैं अब इस उम्र में हूँ, आपने भी कह दिया 1967 में मैंने, जब आपका वजूद भी नहीं था और आमिर का भी वजूद नहीं था। तुम थे कहाँ? अच्छा, यू लुक मच यंगर, दैट्स व्हाई आई एम टॉडलर। हाँ अच्छा, टॉडलर ये थे। व्हाट हैपेंड, इवन आई वाज अंडर 25 थी वो, और उसमें पायरेडू नहीं था क्योंकि ही वाज, हाँ वो बाद में आया था, वो आया था एक एक या तो इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ 11 थी इंटरनेशनल। माइक ब्रेली ने जो 300 किया था वो कौन सी थी? वो थी जब माइक ब्रेली कप्तान बन के आया था 77। ओके, आई एम सरप्राइज्ड के हाउ नो मैन कैन गो रॉन्ग, क्योंकि तुम तो, मैं टेस्ट ले रहा हूं। नहीं, तुम टेस्ट नहीं ले रहे हो, तुम्हारा प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे साथ बैठ के मामले क्या हो जाता है आपको। हाँ, इनका कंप्यूटर जो है उसमें वायरस आ जाता है ये मेरे साथ बैठते ही नहीं। बट प्लीज, आई एम इन अ वेरी गुड मूड टूडे, एंड वेरी गुड, गॉड ब्लेस मी। हाँ बिल्कुल, अब आपके नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोग्राम के लिए ऑफ कोर्स पीटीवी स्पोर्ट्स द न्यू चैनल जो आई है, लोग तो मुझसे पूछते हैं ना, क्योंकि सबसे ओल्ड मैन ऑफ पीटीवी तो मैं हूँ। so आप लोग, नहीं नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना भाई, व्हाट आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ पीटीवी एंड रेडियो पाकिस्तान, उससे कुछ और नहीं होता था। मैंने ये था कि इन 1967 में, ये बताते चलूँ कि आई वॉज ऑल्सो अंडर 25, आई वॉज नॉट इवन 23, तो वेरी अर्ली इन लाइफ, unlike some other people, not in this room, मैंने I realized कि मुझसे cricket highest level पर नहीं खेली जाएगी। You know, I couldn't make it to Cambridge University team. But you were a right arm leg break bowler. I started off as a pace bowler, but then I was such a shorty and thinny that when I went to England, I started becoming लेग स्पिन फिंगर स्पिन बोलर, रिस्ट नहीं मोड़ती थी। तो आप किन्होंने अंदाजा लगा लिया होगा ना कि यहाँ वहाँ पे फास्ट बोलर, हाँ लेग स्पिन करो, हल्के हैं, हाँ वो शायद भाई तुम्हें याद हो, लेकिन वो अभी तक हल्के हैं, सारी उम्र रहेंगे हल्के। आपको याद होगा कि उनके जो वन ऑफ द लीडिंग तुम्हारे जमाने का जो उनका लेग स्पिनर गुजरा है वो रॉबिन हॉब्स था मेरे जमाने का। हाँ, मैं तो सर जैक हॉब्स के जमाने, नहीं नहीं जैक हॉब्स का तो तुम दिखते हो नहीं, बट आमिर दैट वाज जॉनी वॉर्डल वाज अ चाइनामैन एंड थिंग्स लाइक दैट, मगर टू में इयान सॉल्सबरी, नहीं तो वाजंट अ बैड बॉलर, बंका ही वाजंट अ सखलेन मुश्ताक, ही वाजंट अ सईद अजमल, ही वाजंट अ मुताया मुरलीधरन, ही वाजंट अ शेन वॉन आइदर। ये वाली बात है ना, लेकर और लॉक थे
उस जमाने में, मगर वो कभी कभी आते थे, जैसे रामदिन एंड वैलेंटाइन आ गए, या उसका जो साउथ अफ्रीका का था स्पिनर, एनीवे उनका भी एक आध स्पिनर था। हम स्पिनर्स हमारे होते थे, चंद्रशेखर, बेदी, प्रसन्ना, वेंकट राघवन, चार स्पिनर्स हैं। यस, बट दीज फोर वर द क्वार्टेट व्हिच वाज एब्सोल्युटली लीथल। और फिर हमारे स्पिनर्स आपके जमाने के भी, तो वहाँ स्पिनर्स जो हैं वो उनकी साइड में जगह बन जाती थी। तो दैट बट आई रियलाइज वेरी अर्ली कि भाई यहाँ खेलने वेलने का तो नहीं है, तो इस ये काम कर लो कॉमेंट्री का। उसमें था कि यू गॉट द बेस्ट सीट इन द स्टेडियम एंड ऑफ कोर्स यू वर पेड अबाउट 25 रुपीज और 30 रुपीज फॉर इट पर डे। वेल, आर यू पेड दैट? जाता था ना सर? नहीं, हाँ, आपको मिल जाता था। अच्छा, आमिर सुहेल जो है वो भी आपसे बहुत कुछ पूछने वाले हैं, लेकिन मुझे एक चीज बताएं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यू डिड योर लॉ, इफ आई एम, या आई एम अ लॉ, यानी कि आप आउटलॉ बन गए थे या लॉ करके आप लॉयर बन गए थे? नहीं, वो हमें लॉयर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये होता है कि जब आप अंडर ग्रेजुएट पढ़ने जाएं ना, तो यू आर कॉल्ड अ लॉयर। ओके, जी फलाना इज अ लॉयर, फलाना इज एन इकोनॉमिस्ट, ये फिजिसिस्ट है, ये केमिस्ट है। अगर आप वहाँ खुदा ना खास्ता चले जाते तो आप वो कहते कि ये मेडिक है, मेडिकल डॉक्टर साहब, वही वो होता है सर। नहीं, मगर उस जमाने में मेडिक के माने होते डॉक्टर, क्योंकि वो अच्छे डॉक्टर होते थे ना। खैर, आमिर का ये है कि आमिर एंड आई गो बैक क्वाइट सम टाइम अगो, एंड आई ऑलवेज फाउंड हिम टू बी, अब मैं इनकी तारीफ करूंगा ऑन एयर तो वो लोग मेरी करते नहीं है, आमिर की करने लगे। आपकी जो तारीफ, द वेरी फैक्ट आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज तारीफ। ओह माय गॉड, और दैट्स माय प्लेजर, दैट्स माय प्लेजर। आमिर के तो जिम्बाब्वे का टूर जब हम कर रहे थे, जब कौन सा वाला सर, वो जो खौफनाक टूर था 95 में था आमिर, वो जो खौफनाक टूर था जहाँ से रेजिग्नेशन उड़ते हुए आए थे। टूर आमतौर पर खौफनाक ही होते थे, तो